वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, तो आज की इस वीडियो मैं शेयर करने वाली हूँ हेयर स्पा ट्रीटमेंट एट होम। एंड इसकी सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें सबसे पहले तो आपका कोई भी पैसा खर्च होने वाला नहीं है, जीरो इन्वेस्टमेंट है। एंड दूसरी सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें आपको अपने बालों के ऊपर कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि केमिकल ट्रीटमेंट करवाने से क्या होता है ना, कुछ टाइम के लिए वो आपके बालों को हेल्दी दिखाएगा, सानी दिखाएगा, बट धीरे धीरे करके वो आपके बालों को डैमेज कर देता है, क्योंकि केमिकल वाली चीज़ें यूज़ किए जाते हैं एंड उसमें हीट टूल्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, जिसकी वजह से आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज एंड रफ हो जाते हैं एंड उसमें स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगती है। एंड तीसरी सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें जो भी कुछ मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ, सब कुछ DIY होने वाला है, आपको आपके किचन में इजिली आपको मिलने वाला है। एंड इस हेयर स्पा को करने के बाद से आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलने वाला है। एंड अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए, डैमेज हो गए, रफ हो गए, फ्रिजी हो गए एंड इसमें स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी साइन नहीं है एंड आपके बालों में ग्रोथ नहीं हो रही है, तो इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको आज इस वीडियो में मिलने वाला है। एंड ये आपके बालों को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, हेल्दी बनाएगा, उसमें साइन ऐड करेगा, ग्रोथ प्रमोट करेगा। सो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना एंड वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, तो फर्स्ट स्टेप एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि हेयर ऑयलिंग करने से पहले या फिर हेयर स्पा करने से पहले आप अपने बालों को डिटेंगल कर लिया करो। इससे क्या होता है कि आप जो भी अपने बालों में ऑयल अप्लाई करोगे या फिर मास्क अप्लाई करोगे, वो चीज़ आपके बालों में बहुत ही अच्छी तरह से अप्लाई होगा। एंड उसके लिए आप इस तरह से मोटे दांत वाली कंघी का यूज़ किया करो। एंड बहुत सारे लोगों को कंघी करना पसंद नहीं है एंड इससे क्या होता है, इससे आपके बालों में हेयर फॉल की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ने लगती है, इसलिए आप अपने बालों को ऑलवेज इस तरह से कॉम करके रखा करो। सो गाइस, तो हेयर स्पा का सेकंड स्टेप है हेयर ऑयलिंग करना। एंड ये वाला हेयर ऑयल मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ एंड इससे मैंने अपने बालों में बहुत ज़्यादा फ़र्क देखा है। एंड इसके लिए आपको चाहिए मेथी दाना, तो मैंने 2 टेबलस्पून मेथी दाना लिया है एंड 2 टेबलस्पून मैंने ब्लैक सीड लिया है। एंड दोनों को हम मिक्सी ग्राइंडर में डाल के पाउडर, इसका फाइन पाउडर बना लेंगे। एंड जितना भी पाउडर था मैंने उसको एक कंटेनर में डाल के एंड उसमें मैंने 2 कप ऑयल ऐड कर दिया है, मतलब जिससे कि आपका ये 1 मंथ पूरा आराम से चलने वाला है पूरा ऑयल। एंड इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है एंड इसको आप 1 वीक के बाद से आप इसको अप्लाई करना स्टार्ट कर देना, क्योंकि 1 वीक तक इसके जो भी उसके गुण होते हैं ना, सब कुछ इस ऑयल में आ जाएंगे। एंड जब भी आपको हेयर ऑयलिंग करना हो, आप इसको एक सेपरेट बाउल में थोड़ा सा ऑयल लेना एंड उसके बाद से आपको अपने स्कैल्प से लेके छोटे छोटे पार्टीशन कर लेना, ताकि इजी हो आपको ऑयल अप्लाई करने में। तो स्कैल्प से लेके आपको टिप तक पूरा अच्छे से हेयर ऑयलिंग करना है एंड आपको वीक में 1 से 2 बार तो ऑयलिंग करना ही है, आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है हेयर ऑयलिंग करना एंड इससे आपके बाल और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी होते हैं। स्टेप नंबर 3 इज़ ऑयल मसाज करना। ऑयल लगाना भी इंपॉर्टेंट है एंड ऑयल लगाने के साथ साथ आपको अपने बालों में ऑयल मसाज करना भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसमें हमने मस्टर्ड ऑयल ऐड किया है, मेथी दाना ऐड किया है एंड ब्लैक सीड ऐड किया है, जो कि तीनों ही आपके हेयर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने में। एंड अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है तो उस चीज़ को भी ये कंट्रोल करेगा एंड हेयर फॉल की प्रॉब्लम को ये दूर करेगा। एंड ये आपके बालों में नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई एंड फ्रीजी हो गए तो उन सारी प्रॉब्लम्स को भी दूर करेगा। एंड उसके बाद से आपको अपने बालों में 5 से 10 मिनट तक ऑयल लगाने के बाद से मसाज करना है। एंड मैंने अपने बालों को नीचे कर लिया है एंड उसके बाद से आपको पीछे की साइड से आपको मसाज करना है पूरा अच्छी तरह से अपने बालों में। एंड इससे क्या होगा, आपके बालों में ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और बहुत से लोगों को ऑयलिंग करना पसंद नहीं होता है, बट आपके बाल इससे अनहेल्दी होते हैं, आपके बाल में फ्रिजी एंड ड्राई हेयर की प्रॉब्लम होने लगती है, इसलिए आपको वीक में अगर आप 2 बार ऑयलिंग नहीं कर पाते हो तो फिर एटलीस्ट आप 1 बार ज़रूर कर लिया करो, इससे आपके बाल स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी रहते हैं। एंड आप इसको ओवरनाइट मत रखना, नहाने से पहले आप इसको, शैम्पू करने से पहले आप इसको 1-2 घंटे पहले अप्लाई कर लो एंड उसके बाद से आप हेयर वॉश कर सकते हो, बट ऑयलिंग ज़रूर कर लिया करो, वीक में 1 बार तो कर ही लिया करो। स्टेप नंबर 4, आपको अपने बालों में स्टीम लेना है। स्टीम हेयर स्पा में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो चाहे आप हेयर स्पा पार्लर में जाके करवाओ या तो फिर आप घर पे करो। स्टीमिंग आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, आपके बालों में साइन लाता है, आपके बालों को हेल्दी रखता है एंड स्टीमिंग लेने से आपके जो बालों में क्यूटिकल्स होते हैं ना, वो चीज़ खुल जाते हैं। एंड इससे क्या होता है कि आप जो भी आगे के प्रोसेस में मास्क अप्लाई करने वाले, वो चीज़ आपके स्कैल्प में जाता है एंड उससे आपको और भी ज़्यादा अच्छा बेनिफिट मिलता है उसका। स्टीमिंग आपको ज़्यादा नहीं लेनी, आप 5 से 10 मिनट तक ले लेना। एंड उसके लिए या तो आप हॉट टॉवल का यूज़ कर सकते हो या फिर इस तरह का टूल यूज़ कर सकते हो, जो कि मैंने अमेजोन से परचेस किया हुआ है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हो।
सो गाइस, नेक्स्ट हम बनाएंगे हेयर मास्क। हेयर मास्क बनाने के लिए आपको चाहिए सबसे पहले एलोवेरा जेल। आपको प्लांटेड एलोवेरा लेना है। एंड गाइस, इस हेयर मास्क को आप डेफिनेटली ट्राई करना, मतलब बहुत ज़्यादा अमेजिंग आपको रिजल्ट मिलेगा। एंड उसके लिए हमें प्लांटेड एलोवेरा जेल चाहिए। उसको एक पूरा लीफ ले लेना आप उसका, एंड उसको दोनों साइड्स आप कट कर देना ताकि उसके जो कांटे होते हैं वो ईजिली निकल जाए। एंड उसके बाद आपको बीच में से दो पार्टीशन करना है। एंड उसके बाद से आप उसको स्पून की हेल्प से या फिर चाकू की हेल्प से आप उसका एलोवेरा जेल निकाल लेना। तो मैंने कुछ इस तरह से एलोवेरा जेल मैंने निकाल लिया। एंड ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है निकालना, बट वो निकल जाता है ईजिली। देन हमें लेना मिक्सी ग्राइंडर। एंड मिक्सी ग्राइंडर में मैंने एलोवेरा जेल को डाल दिया था। एंड ये 2 टेबल स्पून के करीब में एलोवेरा जेल होगा। एंड उसके बाद से मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप के करीब में मैंने पका हुआ चावल लिया हुआ, जो हम नॉर्मल पका हुआ चावल रखते हैं खाने के लिए, उसको मैंने 1 कप ले लिया है। एंड उसमें हम ऐड कर देंगे 2 or 3 टेबल स्पून कर्ड। एंड उसके बाद से हम इसका मिक्सी ग्राइंडर में डाल के एक फाइन पेस्ट बना लेंगे, जो कि हमारा हेयर मास्क बनके रेडी हो गया है। आप चाहो तो आप इसके अंदर कोकोनट ऑयल या फिर कैस्टरल ऑयल डाल सकते हो, बट मैंने पहले ही ऑयलिंग कर ली थी इसलिए मैंने नहीं डाला है। एंड ये थोड़ा सा थिक लग रहा है आपको, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हो जिससे कि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी नॉर्मल हो जाए। देन आप अपने बालों में हेयर मास्क अप्लाई करेंगे। एंड उससे पहले सबसे पहले हम अपने कपड़े को कवर कर लेते हैं। मैंने एक दुपट्टे की हेल्प से कवर कर लिया ताकि हमारा ड्रेस ख़राब ना हो इसलिए। एंड उसके बाद से आपको हेयर मास्क को अपने स्कैल्प से लेके पूरा अपने लेंथ तक अप्लाई करना है। एंड जैसे हम हेयर स्पा में करते हैं छोटे छोटे पार्टीशन करके, आपको पूरा मास्क अप्लाई करना है। आपको अपने पूरे स्कैल्प में पूरे लेंथ में अच्छे से आपको अप्लाई करना है। एंड ये वाला हेयर मास्क थोड़ा सा थिक हो गया था इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया हुआ, क्योंकि इसमें चावल है एंड चावल की वजह से थोड़ा सा थिक हो जा रहा है। एंड धीरे धीरे करके आपको अपने पूरे बालों में अच्छे से अप्लाई करना है। एंड ये वाला हेयर मास्क अप्लाई करने के बाद से ये आपके बालों में बहुत ही मस्त वाला साइन ऐड करेगा। आपके बाल को थिकर बनाएगा, आपके बाल को स्ट्रॉन्ग रखता है, एंड आपके पीएच लेवल को भी मेंटेन करके रखता है। एंड आपके बालों को स्मूथ एंड सिल्की बनाएगा। हेयर वॉश करने के बाद से आप फील करोगे आपका बाल बहुत ज़्यादा सिल्की एंड स्मूथ हो गया इस मास्क को अप्लाई करने के बाद से। एंड आपको वीक में नहीं, आपको 15 दिन में एक बार हेयर स्पा खुद से कर लेना चाहिए। घर पे हेयर स्पा करने से आपके बालों में बहुत ही अच्छा वाला रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। एक बार में आप देखोगे आपके बाल बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो गए हैं। एंड हेयर मास्क को अप्लाई करने के बाद से आप इसको 30 से 35 मिनट तक अपने बालों में लगा रहने दो। एंड आप चाहो तो किसी पॉलीथीन की हेल्प से आप अपने बालों को कवर कर सकते हो ताकि जो आपका हेयर मास्क है वो ड्राई ना हो। एंड उसके बाद से आप जो भी अपना रेगुलर शैम्पू है एंड उसकी हेल्प से अपने बालों को वॉश कर सकते हो। एंड मैंने कोई भी कंडीशनर नहीं अप्लाई किया। एंड उसके बाद भी आप देखोगे मेरे बाल इतने ज़्यादा हेल्दी एंड शाइनी दिख रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा सिल्की लग रहे थे मेरे बाल। सो गाइस, तो आई होप आप लोग आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो। एंड इस हेयर स्पा को आप खुद से घर पर ट्राई करो एंड रिजल्ट मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को रिजल्ट कैसा लगा। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।